साथियों फिलहाल भाई गोलागढ़ गांव के अंदर मौजूद हूँ और मेरे सामने आप देख रहे हैं भाई बहुत सारे ग्रामीण माताएं बहने रोड जाम करके बैठी हुई हैं। जी हाँ, ये भाई पथराली मोड़ है, यहाँ पे जो भाई रोड जाम कर दिया गया है। रोड जाम क्यों किया गया वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ भाई, गोलागढ़ गाँव के अंदर भाई बहुत ही बड़ी जो भाई रात को वारदात हुई है, और वारदात होने के बाद जो भाई यहाँ पर ग्रामीण कुछ कार्रवाई न होते देख करके रोड जाम करके बैठे हैं। नसीब नाम का एक युवा भाई, उसकी जो भाई किसी ने काट करके हत्या कर दी। जी हाँ साथियों, कौन कौन शामिल है, कौन नहीं है, किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होगी, तमाम तरह की बातें भाई आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो भाई काफ़ी सारे ग्रामीण आप देख सकते हैं, SHO साहब जुई कला के सामने आप तस्वीर हम देख रहे हैं, उधर से भी आप देख सकते हो रोड जाम किया हुआ है, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और बहुत सारे ग्रामीण भाई यहाँ पर जो है आए हुए हैं। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि भाई इन लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि जो भी अपराधी हैं उनको इंसाफ उनको सज़ा मिलनी बहुत ही ज़रूरी है, और इस भाई को इंसाफ मिलना भी बहुत ही ज़रूरी है। DSP साहब आ चुके हैं भाई सामने, आप तस्वीर में देख सकते हो। DSP साहब फिलहाल जो है भाई धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं, और अब जो भाई क्या कुछ आश्वासन देते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, सभी लोगों के बीच में भाई DSP साहब पहुंच चुके हैं, और अब भाई क्या कुछ बातें होती हैं वो सुनिए। बैठ जाओ नितिन, बैठ जाओ आराम से।